नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार घोष आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो कल जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो सीरीज चल रही है ना दोस्तों, जिसमें कि इंडिया 2-0 से सीरीज जीत चुकी है, उसमें कुछ प्लेयर्स जो है वो वापसी करेंगे। जो इंडिया के कुछ प्लेयर्स होंगे उसमें कुछ प्लेयर्स आपके ऑस्ट्रेलिया के भी होंगे। तो जो इंडिया के प्लेयर्स होंगे ना दोस्तों, जिसमें कि आपके मेन उनके जो इंडिया के जो कैप्टन हैं रोहित शर्मा वापसी करेंगे, विराट कोहली वापसी करेंगे, आपके हार्दिक पांड्या वापसी करेंगे और कुलदीप यादव की वापसी है इस मैच में। उसके बाद जो आपका मतलब वो ऑस्ट्रेलियन टीम में जो उनका बिग शो है ग्लेन मैक्सवेल, वो वापसी करेंगे और जो उनका बॉलर है नंबर वन मिचेल स्टार्क, वो वापसी करेंगे। क्योंकि इन्होंने बैटिंग में मतलब इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया, ना ही इन्होंने बॉलिंग में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत आज ऑस्ट्रेलिया का हाल ये है कि वो सीरीज़ इतनी आसानी से हार गई। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा टक्कर देती है दोस्तों, किसी भी को भी इतनी आसानी से मतलब मैच वगैरह जीतने नहीं देती। तो कुछ कमीज़ है उनकी टीम में, जो कि वो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले कोशिश करेंगे कल के मैच में पूरा हो जाए और अपना विनिंग कॉम्बिनेशन मतलब ढूंढ ले कि इसके साथ इस टीम के साथ उतरेंगे और ये हमारा मतलब विनिंग कॉम्बिनेशन है। तो वो चाहेंगे कल का मैच जीतना, और इंडियन टीम ना है दोस्तों, वो लोग भी चाहेंगे कि कल का मैच हम लोग बड़ी आसानी से जीते, जिससे कि क्या है हमारा जो मोरल बूस्ट होगा, अपना जो मतलब सीरीज़ है वो हाई नोट पे ख़त्म करेंगे। और उम्मीद है कल इंडिया जीते और इंडिया जीत के अपने सीरीज़ को 3-0 से अपने नाम करे और अपने जो वर्ल्ड कप का कैंपेन का स्टार्टिंग करेंगे ना दोस्तों, वो अच्छे मतलब पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्टिंग करे। और इसमें जो कुछ प्लेयर्स जैसे आपके इंडिया में जैसे शुभमन गिल हो गए, आपके श्रेयस अय्यर वगैरह हो गए, हो सकता है इनको आराम दिया जा सकता है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी तो कोई खबर वगैरह ऐसी आई नहीं है। हो सकता है विराट कोहली वगैरह भी खेल सकते हैं, क्योंकि अभी ये पहला मतलब लास्ट मैच है वर्ल्ड कप से स्टार्ट होने से पहले, तो इसमें थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करके वो मतलब वर्ल्ड कप में जाए वो बेहतरीन फॉर्म के साथ, जो कि चाहेंगे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जो प्लेयर्स अभी नहीं है, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, हार्दिक पांड्या भी चाहेंगे कि कुछ बॉलिंग करे, प्लस बैटिंग में उनको अगर मौका मिले तो वो भी फिनिशिंग वगैरह कर सके, मतलब क्योंकि उनको वर्ल्ड कप में उनको ही फिनिशर का रोल निभाना है। और आपके कुलदीप यादव वगैरह भी हो गए, मतलब अपनी जो स्पिन बॉलिंग है उनको मतलब ट्राई वगैरह करने के लिए, वेरिएशन वगैरह मतलब कॉम्बिनेशन, हमें भी अपना विनिंग कॉम्बिनेशन जो कि फाइनल 11 खिलाना है दोस्तों, उसके बारे में भी बात करना है। और उसके बारे में मतलब वो अगर हम कल जीतते हैं तो उसके हिसाब से अपना विनिंग कॉम्बिनेशन वगैरह हम वर्ल्ड कप लेके तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कल का मैच इंडिया जीते और जीतने के साथ 3-0 से श्रृंखला को अपने नाम करे और मैच शानदार होने की उम्मीद है। देखते हैं कल क्या होता है। और हाँ, अभी कुछ दिनों से एक खबरें चल रही है कि मतलब पाकिस्तानी मीडिया वाले बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं कि मतलब उनको वीज़ा नहीं दिया गया या मतलब कुछ इशू। तो एक खबर आई थी दोस्तों, जिसमें कि वो पता चला था कि पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स वगैरह, जो उनका बोर्ड है ना दोस्तों PCB, उन्होंने अप्लाई नहीं किया था वीज़ा के लिए, जो कि मतलब अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे आपका वीज़ा मिलेगा। तो उन्होंने अप्लाई किया, वीज़ा इंडिया ने दे दिया है मंडे को, और आज रात को वो लोग रवाना होंगे इंडिया के लिए और कल मतलब वेडनेसडे को आराम से पहुंच जाएंगे। और उनको भी पूरे हॉस्पिटैलिटी वगैरह पूरे मतलब जो भी लगता है एक इंटरनेशनल टीम को सुविधाएं वगैरह और प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए जो भी मतलब सबको दिया जाएगा, चाहे वो इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज़ हो, या जो भी मतलब बांग्लादेश वगैरह, आपके ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इंडियन क्रिकेट टीम इतनी मतलब पावरफुल है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम प्लस BCCI इतनी पावरफुल है दोस्तों, तो उनके लिए कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं है, बट वो लोग बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और इसमें कोई बात नहीं थी। हाँ, और वीज़ा मिल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आज रात को शायद वो फ्लाइट वगैरह पकड़ के इंडिया आ जाएंगे। और उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोस्तों, उसमें बाबर आजम से पूछा गया मतलब कि आपको कैसा लग रहेगा इंडिया में पहली बार आप खेलेंगे, बहुत दिनों से आपको पता है बायलैटरल सीरीज़ वगैरह नहीं होती, ये लोग ICC जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं इसी में मिलते हैं, तो इंडिया में ये पहली बार खेलेंगे दोस्तों। और उम्मीद है जो 14 अक्टूबर को जो मैच होगा ना दोस्तों, वो हाई वोल्टेज फुल मतलब क्राउड सपोर्ट करेगा इंडिया को। और इंडिया जैसा कि अपना रिकॉर्ड जो है उनका मतलब ODI वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं हारने का, वो रिकॉर्ड को कायम करे और पाकिस्तान को हराएगी बहुत मतलब बड़े अंतर से, या फिर मतलब हम आसानी से जीत जाएंगे। तो यही सब कुछ बातें थी दोस्तों, जो कि मतलब अभी चल रही है, पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत हवा बनाई इन चीज़ों के बारे में।
तो ऐसी कोई बातचीत है नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लोग अपने हॉस्पिटैलिटी वगैरह के लिए जाने जाते हैं और हम लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। मतलब पाकिस्तान टीम हो चाहे कोई भी टीम हो, पाकिस्तानी तो हमारे आर्च राइवल्स है, आप लोगों को पता है। जब हम दोनों मतलब टीमें उतरती है तो पूरा जोश, पूरा मतलब क्राउड, 140 करोड़ इंडियंस प्लस 20-25 करोड़ पाकिस्तानी प्लस बांग्लादेशी सपोर्टर्स भी उनको मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद है हाई वोल्टेज मुकाबला होगा और 14 तारीख को इंडिया मैच जीतेगी। और मतलब यही सब थे दोस्तों, और कुछ मतलब ये सब बातें थी जो कि आपसे बात करनी थी। और कल का मैच ज़रूर देखें, उम्मीद है कल का मैच इंडिया जीतेगी और हम लोग मतलब वर्ल्ड कप के लिए अपने हाई नोट पे स्टार्ट करेंगे। मतलब वर्ल्ड कप का जो हमारा मोरल होगा वो बूस्ट होगा और पॉजिटिव इंटेंट के साथ अपना मतलब स्टार्ट करेंगे। तो यही कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी, और कल मिलते हैं दोस्तों, जो अपना थर्ड मतलब ओडीआई है जो ऑस्ट्रेलिया, वो क्लीन स्वीप करके उसके बाद मिलते हैं आपसे। और जब तक के लिए आप लोगों का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।